राजीव और निशा दो अच्छे दोस्त एक दिन लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। उनका सपना था कि वे रात भर की यात्रा करें और सुंदर नजारों का आनंद लें। लेकिन जैसे ही रात का पर्दा ढलने लगा, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या यह कोई जादू है? नहीं, ये लगता है कि कोई हमारे पीछे है। चलो चेक करते हैं। यहाँ कौन है? सामने आओ। वे फिर से गाड़ी में बैठे और यात्रा जारी रखने का फैसला किया। अगले किलोमीटर्स तक यात्रा चलती रही, लेकिन आवाज बढ़ती चली गई। अब राजीव और निशा अचानक अपने आप को एक पुरानी और डरावनी हवेली के बाहर पाए। वे बाहर से आवाज आने के लिए परिस्थिति को जांचने के लिए अंदर चले गए। हवेली के अंदर उन्हें बार बार ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे है। उन्होंने अंदर घूमने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। राजीव और निशा का दिल धड़कने लगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक उन्हें आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उनके नाम बुला रहा हो। क्या यहाँ कोई है? हमारे पीछे कोई है, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। अचानक राजीव निशा को अजीब सी हरकत करते हुए देखता है। बिना किसी वास्तविक कारण के निशा अपनी आवाज बदलने लगी। निशा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी क्या जरूरत है राजीव? अब तुम अकेले हो। राजीव का मन बिल्कुल भी नहीं था कि उसे अपनी दोस्त के साथ ऐसा होने का सामना करना पड़ेगा। वह बेहोश हो गया, लेकिन जब उसने उठा तो वह अपनी दोस्त के साथ अकेला हो गया था। उसने गाड़ी में अपनी दोस्त को ले जाने का निर्णय किया, लेकिन उसे उस रात के घटनाक्रम का कोई उत्तर नहीं मिला। उसे आज भी यकीन नहीं है कि वह क्या देखा और महसूस किया था। क्या वह रात के दर्शकों के बारे में सच्ची कहानी बता सकेगा, या वह कभी भी यह रहस्य नहीं सुलझा सकेगा?